जेएसएससी के हिंदी भाषा और साहित्य में तीसरा पॉइंट जो कि उपन्यास का है, हमें उसे समझना है दोस्तों। उसमें हमें तीन कवि जो सिलेबस में है दिए हुए हैं, जिसमें नंबर वन है आपका गोदान। गोदान एक उपन्यास है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ। गोदान के विषय में यह बोला जाता है आपका हिंदी साहित्य में या फिर जनरली भी कि इस भारत में गोदान की जो रचना हुई है और प्रेमचंद ने जो उसके अंदर आपका गांव का विषय, गांव ज्वार का विषय, समाज का विषय, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, समाज कितने हिस्सों में बटा हुआ है वो, और भी बहुत सारी तमाम चीज़ें जिनके अर्थ पे ये गोदान लिखा हुआ है, इसके विषय में ये बोला जाता है कि ऐसी रचना दोबारा हो ही नहीं सकती। एक और मैं बड़ी अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा, जब मैं पढ़ाई कर रहा था विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो मेरे को ये बताया गया मेरे प्रोफेसर ने, हिंदी साहित्य के इतिहास में गोदान को ऐसा बोला जाता है कि यदि जिस समय गोदान लिखा गया प्रेमचंद के द्वारा, उस समय के इतिहास को यदि जला दिया जाए और अगर यदि गोदान को हम पढ़ें तो मेरे को लगता है कि दोबारा इतिहास लिखने की जरूरत नहीं होगी। इतना सटीक विवरण प्रेमचंद ने गोदान के अंदर इस समाज, इस भारत देश के विषय में, गाँव के बारे में, वहाँ के समाज के विषय में किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रचना है, आप सबको गोदान लेके पढ़नी चाहिए। इससे आपका दिमाग ब्रॉड होगा और खास करके आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपके पास एक ब्रॉड आइडिया होना ही चाहिए। सेकंड पॉइंट है मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखी है।